हेलो स्टूडेंट, दिस इज धीरज चतुर्वेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ उमा बैजंती पब्लिक स्कूल साहपुर बदलापुर जौनपुर। बच्चों, कोविड 19 की वजह से उमा बैजंती पब्लिक स्कूल आप सभी तक रेगुलर वीडियोस के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल करा रहा है। इसी सीरीज में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी। सबसे इस सेशन को, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दो बातें और करना चाहूंगा। पहली चीज तो आप सभी के लिए एक खुशी का विषय है कि आपका स्कूल CBSE से हाल ही में एफिलिएट हो गया है और अब हम लोग 12th तक की, यानी कि इस सेशन में 11th तक की क्लासेज साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से शुरू कर चुके हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कई सारे वीडियोज ऑलरेडी भेजी जा चुकी हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आपके ग्रुप में जा चुकी हैं। ये बचती है 11th में मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए क्लासेस। तो ये जो मेरी क्लास है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम से कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई, तो उनके लिए ये वीडियो है आज का बायोलॉजी का। बच्चों, इस कोविड 19 के पेंडेमिक में कुछ चीजें बहुत सारी बदल गई। आज जिस तरह हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, नेचुरली अगर सब कुछ सही रहा होता तो हम लोग क्लासेज में मिलते और क्लासेज में पढ़ाई कर रहे होते। लेकिन जहाँ पे ये ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं, CBSE को भी लगा कि कुछ और भी रिवाइजेशन की जरूरत है, कुछ रिवाइज करने की जरूरत है, तो उसने आपका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है। क्लास 11th से लेकर 12th तक का जो भी सिलेबस रहा CBSE बोर्ड का, उसने उसमें से 30% सेक्शंस को डिडक्ट कर दिया है। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्लास 11th में बायोलॉजी के सेक्शन से कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कितने सेक्शंस इसमें से क्या हो गए हैं, कितना चैप्टर, कितनी चीजें इसमें से डिडक्ट कर दी गई हैं जो हमको नहीं पढ़नी है, और बची हुई कितनी चीजें हैं उनको हमें पढ़नी है, और साथ ही साथ हम लोग पहला चैप्टर भी इसमें से कुछ ना कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास ये क्लास 11th की NCERT की बायोलॉजी की बुक है, इसी से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो दैट्स गुड, और अगर नहीं है तो स्कूल से आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के बुक भी ले सकते हैं या बाहर से भी आप बुक ले सकते हैं। ये जो आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी की NCERT है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना सिलेबस आपका डिडक्ट हो गया है और कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। बच्चों, ये जो क्लास 11th का आपका पूरा सेक्शन है, पूरा जो सिलेबस है, इसको CBSE ने कुल 5 यूनिट्स में बांटा है। देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ योर एंटायर बायोलॉजी बुक, 5 यूनिट है। पहली यूनिट को शुरू करेंगे, ये जो पहली यूनिट है आपकी, इस यूनिट से आपके एग्जाम में कुल 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कुल 15 नंबर्स होंगे, 15 नंबर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट से मिलेगा आपके एग्जाम में। और इस यूनिट में कुल कितने, देयर आर 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है द लिविंग वर्ल्ड, ओके। दूसरा जो चैप्टर हमको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट से वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। फिर हम लोग अगर चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें चैप्टर 3 हमको पढ़ना है प्लांट किंगडम, और जो चैप्टर 4 हमको पढ़ना रहेगा वो है एनिमल किंगडम। यानी कि आपका जो यूनिट 1 है जो 15 मार्क का है, इसमें कुल 4 चैप्टर्स हैं। पहले भी बिना डिडक्शन के, जब डिडक्शन नहीं हुआ था तो भी उसमें से ये 4 के 4 ही चैप्टर थे। यानी कि पिछले सिलेबस में और इस बार के सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस को अगर हम कंपेयर करें, तो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर्स में से कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। यानी कि यूनिट फर्स्ट के 4 के 4 चैप्टर्स आपको इस बार भी पढ़ने पड़ेंगे, ओके। फिर इसके बाद अब इस यूनिट के बाद आता है आपका यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड जो है आपका बच्चों, इसमें कुल मिलाकर आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके लिए क्या 8 मार्क्स आर डिफाइंड, इसके लिए 8 नंबर है यूनिट सेकेंड से। और इस यूनिट सेकेंड में
आपको दो चैप्टर पढ़ना रहेगा, चैप्टर नंबर 5 और ये क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये एक चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक, ये दो चैप्टर यूनिट नंबर 2 में है, 8 नंबर का है, ये दो चैप्टर हैं। अगर आप पिछले सिलेबस को कंपेयर करेंगे तो इस यूनिट में 3 चैप्टर थे, ठीक, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अलावा इसमें एक और चैप्टर था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वो एक चैप्टर आपका जो कि अगर सीक्वेंस में देखें तो चैप्टर नंबर 6 होना चाहिए था, वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर है इज रिजेक्टेड, ये हटा दिया गया है आपके इस बार के रिवाइज सिलेबस में 2021 के लिए। ठीक, तो यूनिट 2 में आपको बस दो ही चैप्टर पढ़ना रहेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया। ठीक है, यूनिट 2 के बाद अब हम लोग बढ़ जाते हैं कौन सा यूनिट नंबर 3 की। ये जो आपका यूनिट 3 है इसमें भी कुल मिलाकर आपसे एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के लिए भी क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, इसको अलॉट किया गया है 15 मार्क। इस 15 मार्क की यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा चैप्टर नंबर, ये सीक्वेंस में मैं 7 ही दे रहा हूं, और इसका नाम है सेल डी यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस में हमारे आ रहा है वो है बायो मॉलिक्यूल्स, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो हमारा आएगा वो है सेल साइकिल एंड डिवीजन, और फिर इसके बाद ये इसमें से सिर्फ ये 3 ही चैप्टर यूनिट नंबर 3 इसमें 15 मार्क के हैं, इसमें 15 मार्क इसके लिए क्लियरिफाई किया गया है, इसके लिए बनाया गया है, और इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बायो मॉलिक्यूल और सेल साइकिल एंड डिवीजन। ये अगर हम लोग पीछे के सिलेबस की बात करें तो पहले भी पीछे के सिलेबस में भी यूनिट नंबर 3 में सिर्फ ये 3 ही चैप्टर्स थे और ये 15 मार्क के ही, यानी कि पीछे के सिलेबस में इस बार के सिलेबस में इस यूनिट 3 में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अब हम लोग पढ़ जाते हैं अगला इसके यूनिट नंबर 4 के। ये जो हमारा यूनिट नंबर 4 है बच्चों, इस यूनिट में भी हमारे लिए कितने 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क के क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से आएंगे, और इसमें पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे लेकिन 2 चैप्टर कट गए हैं, कौन कौन से वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कौन कौन से चैप्टर हैं उसको देखने। तो यहाँ पे सीक्वेंस में हम लोग आएंगे ये 10th चैप्टर जो हमारा होना चाहिए, एंड दैट विल बी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, दिस इज द चैप्टर नंबर 10 एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 4 विच है 15 मार्क्स, 15 मार्क का यूनिट नंबर 4 है, इसका पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है हमारा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ये चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा। और फिर चैप्टर नंबर 12 और इस यूनिट का जो तीसरा चैप्टर है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपका हो जाएगा कौन सा चैप्टर नंबर 12, और इस यूनिट में यूनिट नंबर 4 में इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे ये 3 ही यूनिट आपको पढ़नी है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें पुराने सिलेबस की तो इसमें 2 चैप्टर और थे इस यूनिट में, एक था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और एक था मिनरल न्यूट्रिशन,
तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये क्या किए गए हैं, आपकी इस यूनिट से यूनिट नंबर 4 से डिडक्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक, तो मतलब अभी तक के अगर हम लोग सिलेबस को कंपेयर करें तो हमको दो तीन चैप्टर्स ऐसे मिल गए जो कि हटाए गए हैं यूनिट नंबर 6 से एक चैप्टर हटाया गया है और यूनिट नंबर 4 से कौन से दो चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक, और फिर अब हम लोग पहुंचते हैं अपने लास्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5। ये जो यूनिट नंबर 5 है इससे कुल आपके एग्जाम में कितने 17 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 17 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट नंबर 5 से आएंगे। और इसमें चलिए देखें कौन कौन सा चैप्टर है, तो इसमें आप सीक्वेंस में आएंगे तो 13 चैप्टर जो हमारा होगा वो है हमारा क्या, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो हमारा है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 15 हमको पढ़ना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन यानी कि रिमूवल। ओके, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 16 जो हमको पढ़ना है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 17 जो हमको पढ़ना है वो क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और फिर चैप्टर नंबर 18 हमको पढ़ना है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द 18 चैप्टर्स, ये है चैप्टर नंबर 18। तो इस यूनिट में कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 5 में। इसमें पहले एक चैप्टर और था जिसे हटा दिया गया है, यानी कि दिस इज द डिटेल सिलेबस विच वी हैव टू डिस्कस इन एंटायर ईयर, पूरे साल भर में इतना सिलेबस हमको कवर करना है। और अब मैं इसमें से यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ डिलीटेड सेक्शन, जो सेक्शन यहाँ पर आपको डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड सेक्शन कौन कौन सा सेक्शन आपको डिलीट कर दिया गया है विच वी हैव टू विच वी डोंट हैव टू डिस्कस, जिसको हमको डिस्कस नहीं करना है। इसमें चैप्टर पहला, एक चैप्टर जो डिडक्ट किया गया है यूनिट नंबर 2 से वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक चैप्टर ये डिडक्ट कर दिया गया है क्योंकि यूनिट नंबर 2 का था। फिर इसके बाद दूसरा जो चैप्टर डिडक्ट किया गया है, डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक, फिर इसके बाद अगला चैप्टर जो डिलीट किया गया है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। और फिर इसके बाद जो एक और चैप्टर हमारा डिलीट किया गया है, डिडक्ट किया गया है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दीज आर द चैप्टर्स विच हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, आपके सिलेबस से ये चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो पूरे साल भर में हमको आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के, एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग इन्हीं 5 यूनिट्स के 18 चैप्टर्स को डिस्कस करना है और इन 4 चैप्टर्स को छोड़ देना है, यानी कि पुरानी अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो इट मस्ट इंक्लूडेड 22 चैप्टर्स, उसमें 22 चैप्टर होंगे जिनमें से पहला एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन,
ये चार चैप्टर्स को छोड़कर हमको कुल 18 चैप्टर्स को वन बाय वन करके पढ़ना है, ठीक है। दिस इज द सिलेबस, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर ये अवेलेबल भी है, तो आप आसानी से वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। पहला चैप्टर, हम लोग पहले चैप्टर के कुछ एक चीजों, कुछ एक टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर वन का पहला, जो हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर वन, और उसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज द बायोलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं थोड़ी देर। तो स्टूडेंट, आज क्लास 11 के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, और इस यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है आपका, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। द फर्स्ट यूनिट दैट वी हैव टू डिस्कस इन क्लास 11 इज द डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स विच वी हैव डिस्कस कर लिया, जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पहला हमको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। दीज आर द 4 चैप्टर्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन द यूनिट फर्स्ट, दैट इज डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या है हमारा पहला चैप्टर, जिसे हमको इसमें आपके 11th क्लास के यूनिट फर्स्ट से शुरू करना है। तो सबसे पहली बात, हम सभी लोग जानते हैं, वी ऑल आर वेल अवेयर इज द फैक्ट दैट बायोलॉजी इज एक्चुअली द साइंस विच डील्स विद द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा साइंस है जो स्पेशली किसके साथ, लिविंग वर्ल्ड के साथ डील करता है, यानी कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी के लिए ही दिस इज वेरी स्पेसिफिक बायोलॉजी हैज बीन क्रिएटेड। तो बायोलॉजी में डेफिनेटली हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर के बारे में और भी कोई बात हम लोग जाने समझे, इससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन दैट मस्ट हैव टू कम इन आवर माइंड इज व्हाट इज लिविंग। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में अगर बात हो रही है तो एक्चुअली व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है, किसे हम लोग लिविंग बोलेंगे, कि किसे हम लोग सजीव बोलेंगे, एंड होम वी डोंट से इट इज लिविंग, और होम वी से इट इज नॉन लिविंग, एंड होम वी से दीज आर द लिविंग। लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं, तो एक्चुअली नॉर्मल वे में जैसे नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल विच ग्रो हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कैन रिप्रोड्यूस, हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट आर कंसीडर्ड एज द लिविंग। माने हम लोग दो तीन बातें ऐसे सिंपल सिंपल सी लिख देते हैं कि जैसे द इंडिविजुअल्स द थिंग्स विच हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच हैव कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ कैन रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। यही आप डेफिनेशन जानते हैं ना, यही आप बात हमेशा से लोअर सेक्शंस में भी पढ़ते आए हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनमें ग्रोथ होती है, जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, जिनमें लोकोमोशन होता है, तो उन्हीं इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग। यानी कि लिविंग की अगर बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग, दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच कम इन आवर माइंड दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट एंड सो ऑन। और तो इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि इन सब कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलेंगे लिविंग। ये बात आप समझ गए। अब हम सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन बिहाफ ऑफ विच वी कुड डिफरेंशिएट अ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग सबसे पहले उन्हीं कुछ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या जो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो कैरेक्टर
नॉन लिविंग में होता है या नहीं होता है, तो अगर वो नहीं होता या होता है तो क्या वो कैरेक्टर लिविंग के लिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा? जैसे किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम जिन कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, एक्चुअली वो कैरेक्टर किसी और में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन का यही मतलब हुआ ना, जैसे हम लोग कहेंगे दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, तो जब हम लोग स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें बायोलॉजी का सेक्शन आ गया, तो मतलब कि अब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो उनमें कभी भी हम लोग क्या लिविंग्स के बारे में, लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो दैट्स व्हाई द स्टडी ऑफ लिविंग्स आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही पहले हम लोग इन सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन करके स्टडी कर लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये क्वालिटी, ये कैरेक्टर डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं, क्या इस कैरेक्टर की अवेलेबिलिटी नॉन लिविंग में है या नहीं, क्या इन कैरेक्टर्स को हम नॉन लिविंग में भी रख सकते हैं, लिविंग में रख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सबसे पहले शुरू करते हैं। सिंपली मैं शुरू करूंगा सबसे पहले ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, तो ग्रोथ को हम ले लेते हैं। ग्रोथ मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, ग्रोथ मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट इन मास साइज एंड सेल। क्या किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के मास में या साइज में जो इंक्रीमेंट होता है, जो उसमें वृद्धि हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, उसी को ग्रोथ बोलते हैं हम लोग। आपको समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी चीज, कोई भी एक सेल है तो इसके, ये सेल है छोटी सी, अब ये जब ग्रो करेगी इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो इसके मास में इंक्रीमेंट होगा, तो हम कहेंगे कि द सेल इज ग्रोइंग, इन द स्टेज ऑफ ग्रोइंग ग्रोथ कर रही है। ठीक, इसी के अलावा अगर हम लोग ये सेल है ये डिवाइड करके क्या कर रही है, दो सेल बना ले रही है, तो मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो किसी भी सेल के साइज मास में जो इंक्रीमेंट होता है दैट इंक्रीमेंट इज कंसीडर्ड एज द ग्रोथ, इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन अब आपको यह बताना है कि क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं होती, जैसे डज माउंटेन्स ग्रो, क्या माउंटेन्स ग्रो करते हैं? यस दे ग्रो ऑल्सो, बट द ग्रोथ इन द माउंटेन्स असर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सर्टेन कंटेंट्स ऑन इट्स आउटर सर्फेस। किसी भी माउंटेन की ग्रोथ कैसे होगी, अगर माउंटेन है, पर्वत है, उस पे धीरे धीरे सैंड का, धीरे धीरे सिल्ट का, पत्थरों का, इन सब का डिपोजिशन होता जाएगा, तो उसकी वजह से जो माउंटेन है उसकी साइज जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माउंटेन इज इन स्टेट ऑफ ग्रोथ। तो माउंटेन भी बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, क्योंकि अगर आप लोग को पता ही होगा